नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी इन रियर में। हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ हम चला रहे थे जो उत्तराखंड के आने वाले जो आगामी एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी हमारे साथ इस एमसीक्यू सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिलेंगी और साथ साथ में जो भी चीज़ें हम करा रहे हैं ज़रूर से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये यहाँ पे कहता है कि 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। यानी कि 1919 के अधिनियम में 1919 के एक्ट में जो डायरकी थी उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है आपके पास मॉन्टेग्यू, दूसरा ऑप्शन आपके पास है तेज बहादुर सपरू, तीसरा ऑप्शन है आपके पास मिंटो और डी ऑप्शन है आपके पास चेम्सफोर्ड। तो देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। चेम्सफोर्ड उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे और मॉन्टेस्क्यू स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थे। तो अब जब भी कोई भी घटना होती है किसी भी टाइम पे तो गवर्नर जनरल का नाम लिया जाता है, तो यानी कि चेम्सफोर्ड के टाइम पे ये चीज़ हुई थी। तो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी कहाँ पे, प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये किसके टाइम पे हुआ होगा, चेम्सफोर्ड के टाइम पे। तो आंसर हो जाएगा डी, चेम्सफोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टू है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। देखिए दोस्तों, 1946 की बात है और यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ कि यहीं पे 1945 पे INA ट्रायल भी चल रहे थे। जब INA ट्रायल चल रहे थे तो साथ साथ में 1946 में क्या हुआ कि जो रॉयल इंडियन नेवी के जो लोग थे उनको कहा जाता था रेडिंग, तो इनमें भी क्या हो गया, गुस्सा भर गया। किसके विरुद्ध, ब्रिटिशर के विरुद्ध, क्योंकि इनकी जो खाने की कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, इनके साथ जो व्यवहार था ब्रिटिशर को वो अच्छा नहीं होता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, एक साथ एक्यूमुलेट हो गई, क्यूमुलेट हो गई और रॉयल इंडियन नेवी के जो रेटिंग्स थे मतलब जो वहाँ के लोग थे उनका गुस्सा ब्रिटिशर पे फूट गया। तो दो जगह थे ये लोग, एक तो मुंबई में थी रॉयल इंडियन नेवी और दूसरी थी कराची में। तो इन दोनों जगह पे दो अलग अलग लोगों ने इनको शांत कराने की कोशिश की थी। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी जी, बी ऑप्शन आपके सामने जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद, सी है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जी ने, एन टी है मोरारजी देसाई एवं जी बी कृपलानी। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए वल्लभ भाई पटेल जी ने बॉम्बे में इनको कहा था कि बेटा शांत हो जाओ आप लोग, और मोहम्मद अली जिला ने उस टाइम पे कहा था कि कराची में इनको शांत करवाया था रॉयल इंडियन नेवी के जो ये लोग थे। तो आई होप आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, और आई होप अब आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे सामने इस तरीके से है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, किसके विरुद्ध में किया था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं जो यरवदा जेल है वो बॉम्बे में, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पे बॉम्बे कहते थे, अब मुंबई कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ए ऑप्शन आपके, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, इससे क्या होता है वीडियो लंबी हो जा रही है, तो आप खुद इन ऑप्शन को पढ़िएगा। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या हुआ था कि 1932 में देखिए क्या हुआ था कि कॉमनल अवार्ड आया था, कॉमनल अवार्ड आया था और ये लेके आए थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम था मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड। तो ये कॉमनल अवार्ड लेके आए थे। कॉमनल अवार्ड में क्या था कि जो डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ये लेके आ रहे थे। अब इस सेपरेट इलेक्टोरेट में होता क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग होंगे वो सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के कैंडिडेट को ही चुन पाएंगे, मतलब डिप्रेस्ड क्लास के लोग सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को ही चुनेंगे। तो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट में होता है। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि मुस्लिम जो लोग होंगे वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही चुनेंगे। तो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट में ये चीज़ें चलती है, और महात्मा गांधी इसके खिलाफ़ थे। महात्मा गांधी इसके खिलाफ इसलिए भी थे क्योंकि इससे क्या होता, जो इंडिया की जो यूनिटी थी इस यूनिटी में विखंडन आ जाता। ठीक है, तो इस वजह से जो महात्मा गांधी थे इसके सख्त खिलाफ थे, और ये इन्होंने क्या किया, यरवदा जेल में इन्होंने आमरण अनशन कर लिया, और आमरण अनशन कर दिया तो इसका जो आंसर क्या होगा, सी हो गया, क्योंकि उस टाइम पे कॉमनल अवार्ड आया था और कॉमनल अवार्ड में क्या क्या चीज़ें थी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में
अनियंत्रित जन संग्रह चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाए। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी, वो निकट सहयोगी था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने देसी राजा मतलब जो उस टाइम पे इंडियन स्टेट थे, मतलब जहाँ पे प्रिंसली मतलब प्रिंसेस जो प्रिंस लोग थे, जो राजे रजवाड़े थे मेनली, उनकी बात करी जा रही है यहाँ पे। तो उनके एक निकट सहयोगी थे 1939 में, उन्होंने वहाँ पे उनको सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी। तो वो कौन थे, देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से लगा देते हैं। देखिए, गांधी जी मेनली कहाँ रहते थे, गुजरात में रहते थे, गुजरात के राजकोट इलाके में रहते थे, तो वहीं उनके ज़्यादातर दोस्त भी थे। तो यहाँ पे इसका आंसर इस हिसाब से आपको लगाना है, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सी आंसर हो जाएगा। इसके पीछे की ज़्यादा कहानी नहीं है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी नहीं है। अगर आपको आ गया तो इस तरीके से आप बता देना कि राजकोट में वल्लभ भाई पटेल जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। यानी कि गांधी जी ने सबसे पहले हंगर स्ट्राइक किस आंदोलन में की। तो ए ऑप्शन आपके पास है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन में। जो अगला ऑप्शन है आपके पास वह है कि 1919 के रॉलेक्ट सत्याग्रह में, सी में है 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, या बारदौली में। देखिए, गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे तो कहा जाता है उन्होंने केक खाया था, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। सबसे पहले वो चंपारण गए, फिर वो अहमदाबाद गए, और फिर उन्होंने खेड़ा में चीज़ों को सॉर्ट आउट करा। तो चंपारण वाली कहानी मैं आपको बता चुका हूँ पहले पार्ट में, जो MCQ सीरीज है। अब अहमदाबाद वाली बात बता, तो अहमदाबाद में क्या हो रहा था, जो वहाँ के वर्कर थे, मिल के जो वर्कर थे, ठीक है, मिल के वर्कर थे, तो उस टाइम पर प्लेग आ गया था, ठीक है। उस टाइम पर क्या आ गया था, प्लेग आ गया था। तो प्ले की वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे थे, तो वो मांग रहे थे प्लेग बोनस मांग रहे थे। बट जो वहाँ के मिल ओनर थे वो क्या कर रहे थे, इनको प्लेग बोनस सही से नहीं दे रहे थे, वो लगभग 25% या उससे भी कम प्लेग बोनस दे रहे थे। बट इन लोगों की मांग थी कि भाई हमको तो 33% क्या चाहिए, प्लेग बोनस चाहिए, आपको देना पड़ेगा, मिल ओनर्स को इन्होंने कहा, किन्होंने, जो वहाँ के वर्कर्स थे। अब ये मिल ओनर्स तो मान नहीं रहे थे, तो महात्मा गांधी ने इन वर्कर्स के साथ मिलकर क्या करा, भूख हड़ताल की। और फिर भूख हड़ताल के बाद जो मिल ओनर्स थे उन्होंने वो झुक गए महात्मा गांधी जी के साथ सामने, और 33% प्लेग बोनस इन्होंने दे दिया, किसको, इन वर्कर्स को, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे, और ये सारी कहानी थी, इस कहानी को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, और इसी के बाद इन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाई थी, अहमदाबाद मिल एसोसिएशन करके महात्मा गांधी ने बनाई थी, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ये हो गया जनरल डायर ने, ये टाइम था 1919 का, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो क्वेश्चन समझाने वाला है मैं उस पर थोड़ा टाइम लगाऊंगा, जो नहीं है उस पर सीधे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। देखिए, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बट इन मतलब एक कहावत है कि मतलब हम बाहर से तो एक दूसरे के विरोधी हैं पर दिल से एक दूसरे के सहयोगी हैं, इस तरीके से इनमें एक रिलेशन था। तो एससी बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, और एससी बोस के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो सीआर दास थे, मतलब चित्तरंजन दास थे, जिन्हें देशबंधु भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मिशन यहाँ पर होना चाहिए, ये गलत प्रिंटिंग हो रखा है, यहाँ पर होगा क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में हुआ था, ये तो पहले आपको यही याद रखना है कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया था तो ये असफल क्यों हुआ था, ये बताने हैं आपको। तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो देखें, जब क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में तो इनकी डूल मूल नीति थी, कभी ये कह रहे थे कि आपको ऐसा कर देंगे, कभी ये कह रहे थे आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कभी ये कह रहे थे कि आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना दी जाएगी। मतलब जो इनका जो दृष्टिकोण था ना,
वो बिल्कुल सटीक नहीं था कि ये करना क्या चाहते हैं। इस वजह से जो मुस्लिम लीग थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो भी क्या हो गए थे, बिल्कुल मतलब इनकी जो रणनीति थी, इनका जो दृष्टिकोण देख के चीज़ें ही समझ पा नहीं रहे थे कि ये करना क्या चाहते हैं आखिरकार। मेनली जो क्रिप्स मिशन था ये सपोर्ट मांग रहा था इंडिया का फॉर द जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो इंडिया समझ गई थी कि भाई ये सिर्फ अपने काम के लिए ही हमारे साथ मिल रहे हैं, बाकी इनका कुछ मकसद है नहीं हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने का, तो इसलिए ये क्रिप्स मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण मतलब ढूल मूल नीति थी इनकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ए हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, और बाकी है बी दादाभाई नौरोजी, सी डब्ल्यूसी बनर्जी और वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए दादाभाई नौरोजी तो दो टाइम पे रहे, ठीक है, दो तीन टाइम पे रहे ये INC के प्रेसिडेंट। डब्ल्यूसी बनर्जी फर्स्ट थे, वल्लभ भाई पटेल तो नहीं थे सबसे ज़्यादा बार। तो जी ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे, ये शायद 1940 से लेकर 1946 तक ये अध्यक्ष रहे थे। मैं कंफर्म नहीं हूँ पर मुझे जहाँ तक लगता है यही सही है, आप एक बार ज़रूर इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी जी कहाँ थे, तो महात्मा गांधी जी उस टाइम पे कोलकाता में थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन पीछे रह गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो ये योजना थी माउंटबेटन योजना। 1947 की बात है, जून 1947 की बात है जब माउंटबेटन योजना आई थी, माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं इसको। और इस माउंटबेटन प्लान में बोला गया था कि पहले तो आप ये देखना कि क्या यूनिटी रखी जा सकती है, क्या इंडिया को यूनाइट रखा जा सकता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इनका विभाजन कर देना, डिवीजन कर देना। तो फर्स्ट कंडीशन थी कि इनका यूनाइट करना इनको, पर यूनाइट तो हो नहीं पाए तो डिवीजन ही कर दिया, और इस तरीके से माउंटबेटन योजना के तहत इंडिया और पाकिस्तान टू नेशन बन गए, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो ये महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई, ये आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर मतलब कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। देखियो कल भी मैंने आपको जब जो MCQ सीरीज फर्स्ट हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पूछा जाए कि भारत का जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो तो माउंटबेटन था, ठीक है। बट अगर इंडियन पूछा जाता, अगर भारतीय पूछा जाता, इंडियन पूछा जाता, तो वो सी राजगोपालाचारी हो जाता, जो सी इसका आंसर सही होगा। कायदे आजम किन्हें कहा जाता था, तो कायदे आजम कहा जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। और ठीक है मोहम्मद अली जिन्ना को ही कायदे आजम कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था, तो उनके उपनाम कौन कौन से थे, मतलब किसके लिए जाना जाता था, मतलब उन्होंने कौन से काम किए थे या किस लिए जाना जाता था, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में या देशबंधु के रूप में। देशबंधु के रूप में मैंने आपको जैसे भी बताया था, CR दास को देशबंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास इन्होंने स्वराज पार्टी का भी गठन किया था, ठीक है, और स्वराज पार्टी में इनके साथ जवाहरलाल नेहरू भी थे, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, सॉरी जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू जी। अब देखिए CR दास को तो देशबंधु कहा जाता है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और साथ साथ में इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि सरदार की उपाधि इनको कहाँ किन्होंने दी, तो सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली की महिलाओं ने दी। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 को हुआ था, और उस टाइम पर इनको काफ़ी सक्सेस मिली थी इसमें, इसलिए बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार कहा था। तो 3 तो गलत हो जाएगा और 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप इन सभी को अच्छे से कर रहे होंगे, और आप आंसर दे रहे होंगे, और साथ साथ में आपको नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने गए थे, तो ऑप्शन है प्रथम गोल में सम्मेलन में, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय गोल में सम्मेलन, तृतीय गोल में सम्मेलन, और इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले गोल में सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था,
लाहौर सेशन में ये चीज़ चली, लाहौर सेशन जो कि आप सभी को पता है 1929 में हुआ था दिसंबर में, और 1930 जनवरी तक चला था। और इसकी लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी, और इस लाहौर सेशन में ही हमने बोल दिया था कि हम बॉयकॉट करेंगे किसका, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, ठीक है। और प्रथम गोल सम्मेलन में भी नहीं गए, 1932 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ तो फिर थर्ड गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी नहीं गए थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और बी आर अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको पता होगा 1919 में चेम्सफोर्ड क्या थे, चेम्सफोर्ड यहाँ के वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 से लेकर 1922 तक चला था, तो 1920 से 1922 के बीच में कौन था, चेम्सफोर्ड ही रहे होंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। डलहौजी तो नहीं थे, डलहौजी कब थे, 1848 से लेकर 56 तक थे, कैनिंग 56 के बाद आए, ठीक है, और हेस्टिंग तो पहले थे, ठीक है, 1813 से लेकर 23 तक, ठीक है, हेस्टिंग इस टाइम पे थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस किसके द्वारा लिखी गई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया फॉर इंडियंस ये लिखी गई थी चित्तरंजन दास के द्वारा, तो हो जाएगा CD दास, चित्तरंजन दास के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और चित्तरंजन दास को पॉलिटिकल गुरु किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। और इन्होंने स्वराज पार्टी का भी क्या कहा था, गठन किया था, और इनके साथ मोतीलाल नेहरू जी थे, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की, देखो जनरल डायर आपको पता है ये 1919 वाला है जिसने जलियांवाला बाग पे निहत्थियों पे क्या चला दिए थी, गोलियां चला दी थी। तो उधम सिंह थे जिन्होंने 1940 में इसकी हत्या कर दी, ठीक है, असैसिनेशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, साइमन कमीशन भारत कब आया। देखिए जो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ना वो 1927 में हुआ था, और फिर फरवरी 1928 में क्या हुआ था, ये इंडिया में आ गया था बॉम्बे में, सबसे पहले इसने कहाँ रखा कदम, बॉम्बे में रखा। तो इसमें सारे के सारे वाइट मेंबर थे, वाइट मेंबर मतलब सारे के सारे इंग्लिश मैन थे, और ये क्या कर रहे थे, इंडिया के लिए क्या बनाना चाह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करना चाह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाह रहे थे। सारे के सारे इंग्लिश है और बनाना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए, इंडियंस के लिए। अब जब इंडियंस इसमें है ही नहीं तो इंडियंस के लिए कैसे बना पाएंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन, उनको क्या पता कि इंडिया के लिए इंडियंस की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इस वजह से इनका बॉयकॉट किया गया, इनको साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे, साइमन गो बैक के नारे दिए गए थे। और इसी के पीछे क्या हुआ था कि पंजाब के लाहौर में क्या हुआ था कि जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने भी इसका विरोध किया था, और लाला लाजपत राय पे क्या गए थे, डंडे बरसाए गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह थे, भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, और सॉन्डर्स की हत्या करने के जुर्म में उन्हें 23 मार्च 1931 में क्या किया था, फांसी पे लटका दिया गया था, या वो शहीद हो गए थे, ठीक है। और शहीद हो गए थे वो, भगत सिंह जी शहीद हो गए थे, इनके साथ सुखदेव और राजगुरु भी थे, और शहीद दिवस इस दिन हम मनाते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, और किस तरीके से आपको आगे की सीरीज़ चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं। ज्योग्राफी की सीरीज़ भी मैं लाऊंगा, उसके बाद पॉलिटी की सीरीज़ लाएंगे, उसके बाद अगर आप चाहें तो उत्तराखंड जीके की भी हम ला सकते हैं। जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद दोस्तों, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।